जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोन लेने जाते हैं किसी बैंक से या फिर किसी फाइनेंस कंपनी से, तो क्या कारण है कि आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन होता क्या है कि 100 लोग लोन के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो उसमें मुश्किल से 30-40% लोगों का ही लोन पास होता है, बाकी लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसमें बहुत सारे कारण होते हैं, कारण नहीं बताया जाता है। मैं बताता हूं कि क्या कारण होता है। हालांकि कारण जानने का आपका हक है, आप किसी भी बैंक से फाइनेंस कंपनी से जहां लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है आप अप्लाई करते हैं तो आपका अधिकार है कि आप उससे कारण जाने, किस कारण से रिजेक्ट कर दिया गया, चाहे वो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी हो या फिर सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो। पता है क्यों? क्योंकि आरबीआई ने आपको ये अधिकार दे रखा है। अगर वो कारण नहीं बताता है, लिखित रूप से कारण बताना है, अगर रिजेक्ट करता है तो उस पर लिख के देना है किस कारण से रिजेक्ट हुआ, लेकिन ना लोग पूछते हैं ना वो बताते हैं, सीधा बोलते हैं कि लोन रिजेक्ट हो गया हुआ आपका। अब बताते हैं कि किस कारण से लोन रिजेक्ट होता है। अब ये भी बताऊँगा कि किस कारण से रिजेक्ट आपको नहीं होगा, क्यों दिक्कत आती है। आपको ये भी बताऊंगा कि आगे आप लोन लेते हैं, लोन में गारंटर बनते हैं किसी का, या फिर लोन आपने ले रखा है, आपका ईएमआई लेट हो रहा है तो दिक्कत आ रही है, या फिर ईएमआई लेट हो गया हुआ है, या फिर ईएमआई आप लेट करते हैं, लोन ले रखे हैं पहले से, ईएमआई लेट करते हैं उस कारण से तो दिक्कत नहीं आ रही है, या फिर गारंटर आप बने हुए हैं और जिसका गारंटर बने हुए हैं वो लोन समय पे जमा नहीं कर पा रहा है इसलिए तो दिक्कत नहीं हो रही। बहुत सारा कारण हो सकता है, सारे कारणों को आज क्लियर करूँगा। और यह भी बताऊँगा कि आपने अभी तक लोन नहीं लिया है कहीं से भी तो भी आपको लोन क्यों नहीं मिलता है, ये सारे चीज़ पर चर्चा करूँगा। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है पूरे वीडियो में बने रहेंगे, आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत सारे चीज़ों से वंचित रह जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। देखिए होता क्या है कि आप लोन लेने कहीं जाते हैं तो सबसे पहले क्या चेक किया जाता है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स तो पूरा रहता है, सबको मालूम है कि क्या लगता है लोन में, आधार कार्ड लगता है, पैन कार्ड लगता है। और अनसिक्योर लोन ले रहे हैं तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और डॉक्यूमेंट्स जो भी होता है, जो प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट्स हो गया या फिर आपसे कैंसिल चेक हो गया, बैंक का स्टेटमेंट हो गया, यही सब लगता है जो आम तौर पर हर लोगों के पास रहता है। सिक्योर लोन लेते हैं तो आपका ज़मीन का, प्लॉट का, प्रॉपर्टी का पेपर होता है, जैसे सिक्योर लोन में हाउसिंग लोन हो जाता है, बाइक लोन हो जाता है, कार लोन हो जाता है, जो चीज़ कोई प्रॉपर्टी रख के, कोई संपत्ति रख के, कोई चीज़ रख के, जैसे गोल्ड लोन हो जाता है लेते हैं उसको सिक्योर लोन कहते हैं, और किसी चीज़ को नहीं रख के लेते हैं उसे अनसिक्योर लोन कहते हैं। तो दोनों लोन में आपको दिक्कत आती है, क्यों दिक्कत आती है, इसमें सबसे बड़ा जो कमी होता है, सबसे बड़ा कमी होता है मैं आपको बताता हूँ। सारा चीज़ आपके पास रहता है मैंने बता दिया, लेकिन कमी क्या होता है, कमी होता है सिविल स्कोर का भी मामला होता है। सबसे बड़ा चीज़ है अभी सिविल स्कोर। अब बताता हूँ सिविल स्कोर, आपने कहीं भी लोन नहीं ले रखा है, कहीं भी लोन नहीं ले रखा है तो भी आज के डेट में कोई भी बैंक आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगी। अनसिक्योर लोन जानते हैं कि कोई चीज़ नहीं रख के ले रहे हैं, वो अनसिक्योर लोन होता है। सिक्योर लोन दे सकते हैं, जैसे बाइक ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं, उसमें प्रॉपर्टी का पेपर जमा किया जाता है। उसके बाद आपको बता दो कि गोल्ड लोन ले सकते हैं, लेकिन बाकी लोन आप नहीं ले सकते। अब आप सोचेंगे कि बाइक और कार लोन सिक्योर लोन कैसे हुआ, तो मैं बता दूं कि बाइक या कार कंपनी देती है तो बाइक या कार कंपनी के नाम से ही रहता है। आप आरसी पर देख सकते हैं कंपनी के नाम से ही बाइक और कार रहता है जब तक कि लोन आप क्लियर नहीं कर देते हैं। कोई दिक्कत बीच में आती है, ईएमआई आप नहीं देते हैं, डिफॉल्टर हो जाते हैं, तो देखते होंगे बाइक या कार जो गाड़ी है आपको कंपनी खींच के ले जाती है, शोरूम वाला खींच के ले जाती है। अब आगे आते हैं कि आपके पास लोन नहीं है तो भी लोन क्यों नहीं मिलेगा, इसलिए कि आपने लोन नहीं ले रखा है तो सिविल स्कोर आपका बिल्कुल जीरो होता है, जीरो रहता है, सिविल स्कोर जीरो रहता है, और जीरो जिसका सिविल स्कोर रहता है बैंक या फाइनेंस कंपनी लोन नहीं देती है, अनसिक्योर लोन नहीं देती है। जैसे कि बिजनेस लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, इस तरह के कोई भी लोन लेते हैं फाइनेंस कंपनी से जहां कुछ नहीं रख के आप लोन ले रहे हैं, वो लोन आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि सिविल स्कोर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कहीं से भी 5,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो, कितना का भी एक लोन लेना पड़ता है, और लोन लेकर सही समय पर उस लोन को चुकाना पड़ता है। सही समय पर उस लोन को चुका देते हैं तो सिविल स्कोर आपका बढ़िया हो जाता है, उसी में ईएमआई फेल हो जाता है। अगर समय पर नहीं चुकाते हैं, आप डिफॉल्टर हो जाते हैं या लेट करते हैं, 3 महीने, 4 महीने पर 1 महीने की किस्त जमा करते हैं, तो फिर आपका सिविल स्कोर गड़बड़ा जाता है। सिविल स्कोर क्या होता है? सिविल स्कोर बता दूं कि एक बैंकिंग प्रणाली है, जो एक संस्था है जो इस चीज को देखती है। सिविल स्कोर होता है 300 से 900 के बीच एक रैंकिंग होता है।
300 से 900 के बीच रैंकिंग होता है, जिसमें 300 से लेके 550 तक आपका सिविल स्कोर है, तो समझिए आपका सिविल स्कोर बिल्कुल ख़राब है, कोई भी बैंक कोई भी फाइनेंस कंपनी आपको लोन नहीं देगी। दूसरा बता रहा हूँ, 550 से लेके 750 के बीच आपका सिविल स्कोर है, तो समझिए ठीक ठाक सिविल स्कोर है, मतलब कोई भी बैंक है फाइनेंस कंपनी है कोई भी लोन आपको दे देगी, आसानी से दे देगी, आसानी से दे देगी, लेकिन ब्याज रेट थोड़ा बढ़ा रहेगा। अब बता दूं 750 से ऊपर आपका सिविल स्कोर है, 750 से ऊपर जितना भी है, तो फिर कोई भी बैंक फाइनेंस कंपनी आपको बिना सिक्योरिटी के लोन दे देगी, और इंटरेस्ट भी नाम मात्र का कम से कम इंटरेस्ट पे मिलेगा, मतलब कि आपका सिविल स्कोर 550 से 750 के बीच है, अगर सालाना 12% इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलने वाला है, 750 से ऊपर का अगर स्कोर है तो वही लोन आपको 8% सालाना पे मिल जाएगा। समझिए कितना का अंतर हो जाता है, सिविल स्कोर मतलब रिस्पेक्ट होता है, सिविल स्कोर मतलब आज के डेट में इज्जत होता है। आपका सिविल स्कोर खराब है मतलब आपका इज्जत खराब है, आपका रिस्पेक्ट खराब है, आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया है किसी के साथ, किसी का लोन ले रखे है या फिर लोन समय पर नहीं दे रहा है, ये मतलब होता है। तो लोन तो आपको मिलता ही है लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 750 मतलब 550 से लेकर 750 के बीच है तो ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन 550 से कम है, 550 से कम है सिविल स्कोर तो कोई भी आपको लोन नहीं देगा, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, वो लोन आपको मिलेगा ही नहीं, कहीं नहीं मिलेगा लोन आपको, किसी भी हालत में कोई भी बैंक कंपनी कभी भी लोन आपको नहीं देगी। अब बहुत लोगों का सवाल ये भी होता है कि सिविल स्कोर तैयार कौन करता है, उसको पता कैसे चलता है कि मैंने किसी का लोन ले रखा है नहीं ले रखा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप लोन लेते हैं कहीं भी तो आप आधार कार्ड देते हैं और पैन कार्ड देते हैं, पैन कार्ड से पूरा स्कोर आपका लिंक रहता है, मतलब कहाँ कहाँ आपका अकाउंट है वो भी पता चल जाता है, कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट है किस किस बैंक में ये भी उससे पता चल जाता है, इसके अलावा ये भी पता चल जाता है कहाँ कहाँ आपने लोन ले रखा है, चाहे छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा लोन आपको पता चल जाता है, वो इसलिए कि सारा चीज़ पैन से आजकल जुड़ा होता है, पैन से ही सिविल स्कोर चेक होता है। तो कौन कौन सी कंपनी देखती है, मैं आपको बता दूँ, सारे बैंक इंडिया में पूरे भारत में जितने भी बैंक हैं जितने भी फाइनेंस कंपनी है छोटे छोटे, चाहे वो सेबी से रजिस्टर्ड हो, चाहे वो आरबीआई के अंडर में काम करता हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के सरकारी संस्था के अंडर में काम करता हो, वहाँ सिविल स्कोर जांच करने के लिए 4-5 कंपनी ऑथोराइज है, जहाँ से विश्वसनीय है, जहाँ से लोग सिविल स्कोर चेक करते हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो प्राइवेट बैंक हो या फिर फाइनेंस कंपनी हो, उस कंपनी का नाम बता दे रहा हूँ जो सिविल स्कोर तैयार करता है। इसमें सबसे विश्वसनीय 4 कंपनी है जिसका नाम मैं बता रहा हूँ, ट्रास यूनियन सिविल, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन, CIRF, हाईमार्क जैसे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां हैं जो लोग ये क्रेडिट स्कोर का काम देखती हैं। सरकार इन्हें मान्यता दे रखी है कि आप लोग क्रेडिट स्कोर तैयार कीजिए, जो जैसा जिसका क्रेडिट है उसका तैयार कीजिए, और उसी के आधार पर सारा फाइनेंस हर चीज़ होता है। अब क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर खराब होने के कारण तो मैंने बता ही दिया आपको, फिर भी एक बार और थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जैसे आपने बाइक लोन पर लिया, कार लोन पर लिया, मोबाइल लोन पर लिया, या फिर कहीं से लोन लिया, माइक्रो लोन लिया, किसी बैंक से लोन लिया, होम लोन लिया, सही समय पर ईएमआई नहीं जा रहा है। जैसे मैं बता दूँ, आपका 5 तारीख का हर महीने ईएमआई है, आप जमा करते हैं किस्त, तो जमा करते हैं तो उसमें होता क्या है कि 5 है तो 7 को जमा कर दिए, 10 को जमा कर दिए, अगर 2-4 दिन 10 दिन लेट होता है तो चल जाता है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी 2 किस्त फेल हो गया, 3 किस्त फेल हो गया, 2 किस्त तक भी बर्दाश्त हो जाता है, थोड़ा सिविल ऊपर नीचे होता है, लेकिन 3रा किस्त जैसे फेल होता है आपका लोन जो है वो NPA में चला जाता है। जब NPA में चला जाता है मतलब बिल्कुल डिफॉल्टर होने के कगार पे चला जाता है, उसको माना जाता है 3 किस्त फेल होने के बाद। तो होता क्या है कि उस परिस्थिति में आपका सिविल स्कोर बहुत ही घटा दिया जाता है, पता चल जाता है कंपनी को, कंपनी को पता चलता है तो कंपनी सीधे सिविल स्कोर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करती है और वहाँ से सिविल स्कोर आपको घटा दिया जाता है, बेकार कर दिया जाता है, जैसा स्थिति होता है उस हिसाब से खराब कर दिया जाता है। लेकिन समय समय पर आप जमा करते रहते हैं, दिक्कत नहीं होती है, चाहे किसी महीने के 5 तारीख को मैंने बताया, 7 तक भी कर देते हैं, 10 तक भी कर देते हैं, 15 तक भी कर देते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो सिविल स्कोर पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो भी 1-2 महीना, लेकिन बाकी समय में आप समय समय पर जमा कर रहे हैं तो लास्ट में जाकर कैलकुलेट होता है तो आपका सिविल स्कोर बहुत बढ़िया हो जाता है। मतलब सिविल स्कोर समय पे किस्त देने से सिविल स्कोर और बढ़िया हो जाता है, वही बैंक चाहे कोई भी बैंक आपको फ़ोन करके बुला के, देखते होंगे कॉल कर करके बुला के आपको लोन देगी, और लोन जैसा चाहेंगे आपको ऐसा देगी, असुरक्षित लोन देगी, सिविल स्कोर अच्छा होने से ये होता है। दूसरा क्या होता है सिविल स्कोर और ख़राब कैसे होता है, कि आप किसी के लोन में गारंटर बने हो, जैसे किसी ने होम लोन ले रखा है, होम लोन में गारंटर की जरूरत पड़ता है, पर्सनल लोन ले रखा है, पर्सनल लोन में गारंटर की जरूरत पड़ता है, बिजनेस लोन ले रखा है, बिजनेस लोन में गारंटर की जरूरत पड़ता है, ये सब लोन कोई आदमी ले रखा है, चाहे आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई जानने वाला हो, आप उसमें गारंटर बन जाते हैं। तो गारंटर बनने से क्या होता है कि जितना जिम्मेवार लोन लेने वाला है उतना ही जिम्मेदार गारंटर भी है, मतलब कि जितना सिविल, अगर
मान लीजिए कि सीधा समझ लीजिए कि लोन लेने वाला व्यक्ति पैसा समय पर जमा नहीं करता है, किस्त लेट कर रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, कल हो गया डिफॉल्टर हो जा रहा है, तो आप भी वही माने जाएंगे। आपका भी समझो किस्त लेट हो रहा है, आप भी डिफॉल्टर माने जा रहे हैं, आप बराबर के जिम्मेदार होते हैं क्योंकि आपने उसका गारंटी ले रखा है। क्योंकि आप गारंटर बनेंगे तो आपका भी पैन नंबर वहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाता है। तो होता क्या है कि जितना स्कोर उसका खराब होगा उतना स्कोर आपका खराब होगा। अगर वो डिफॉल्टर हुआ तो आप भी डिफॉल्टर हुए, तो भविष्य में अगर उनको लोन नहीं मिलेगा तो आपको भी लोन नहीं मिलेगा। अब इसका फायदा भी गिना देता हूँ। अगर किसी को आपने लोन दिला रखा है, आप गारंटर बन रखे और वो समय समय पर ईएमआई जमा कर रहा है, समय समय पर किस्त जमा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, समय पर पूरा कर दे रहा है, उसका सिविल स्कोर बहुत हाई हो गया हुआ है, तो आपका भी हाई हो जाएगा, आपका भी बढ़िया हो जाएगा, आपका भी सिविल स्कोर अच्छा हो जाएगा, उसको भी जैसे लोन मिलेगा उसी प्रकार से आपको भी अच्छी जगह पर लोन मिल जाएगा, लोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गारंटर बनने से ही सेम फर्क पड़ता है। तो गारंटर बनने से भी पहले सोच समझ लें, कोई विश्वसनीय आदमी हो, कोई आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, जान वाला हो, लेकिन भरोसेमंद हो, जो किसी का पैसा डिफॉल्टर नहीं करे, बैंक का पैसा लेकर नहीं भागे, समय पर ईएमआई जमा करे, तो ऐसा व्यक्ति है तो उसका गारंटर बनने से आपका फायदा भी है। लेकिन डिफॉल्टर व्यक्ति है, अगर दिक्कत कर रहा है, पैसा देने वाला नहीं है, तो उसके साथ साथ आप भी भगोड़ा घोषित हो जाएंगे, आपका भी सिविल स्कोर खराब हो जाएगा, आपको भी कोई बैंक या फाइनेंस कंपनी लोन नहीं देगी। सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर एक ऐसा चीज हो गया हुआ है जो आपके ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। इसलिए आप लोन तभी ले जब आप समय पर चुकता कर सके, सही समय पर चुकता कर सके, डिफॉल्टर नहीं हो। ईएमआई थोड़ा 19-20 चलता है, लेकिन साफ डिफॉल्टर नहीं हो, गारंटर भी बने तो ऐसे लोगों के बने जो समय पर जमा करता हो, तो फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज़ को हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। लोग जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ से सब कुछ ठीक ठाक होते हुए रिजेक्ट हो जाता है, आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा आपका काम है, अच्छा कारोबार है, फिर भी आपको लोन नहीं दिया जा रहा है किसी बैंक की तरफ से, ना पर्सनल लोन, ना बिजनेस लोन, कुछ भी। आपको लगता है कि अरे क्यों नहीं दिया जा रहा, मेरे पास तो सब कुछ है, बैंक वाला परेशान कर रहा है। लेकिन सच्चाई बता दूं कि बैंक का कोई गलती नहीं होता। वो आपका पैन नंबर जैसे उसको मिलता है डॉक्यूमेंट्स, वो सिविल स्कोर चेक करता है ऑनलाइन, और सिविल स्कोर आपका खराब दिखता है वो रिजेक्ट कर देता है और आपको मना कर देता है कि आपका लोन रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये भी कारण, ज़्यादातर यही कारण होता है, ज़्यादातर अधिकतर यही कारण होता है, अन्यथा लोन में कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, लोन ज़्यादा कम हो सकता है, जैसे 10 लाख का लोन आप ले रहे हैं, हो सकता है आपको 4 लाख लोन मिले, 5 लाख लोन मिले, 6 लाख लोन मिले, लेकिन साफ लोन नहीं देने का कारण सिविल स्कोर ज्यादातर होता है। तो ये सब चीज सोच ले, समझ ले, जान ले। ये चीज बताना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था, बहुत लोग नहीं समझ पाते सिविल स्कोर को, तो बहुत सारे लोग जानते ही नहीं क्या होता। ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं उन लोगों को पता होता है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा समय समय पर लोन लेते रहते हैं, चाहे बाइक लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, किसी प्रकार का लोन लेते रहते हैं, जरूरत पड़ता रहता है, तो उनको सिविल स्कोर का समझ रहता है, सिविल स्कोर मालूम रहता है। लेकिन सिविल स्कोर तो सबका होता है, लेकिन बाकी आम लोगों को आमतौर पर सिविल स्कोर के बारे में पता नहीं है। अगर आपको समझ में अभी भी नहीं आया, आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में, इतना पूरा वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आ पा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जो जो बात आपको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर से मैं समझा के विस्तार से वीडियो बना दूंगा। हालांकि सब कुछ मैं इसमें बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जो चीज नहीं है वो जानना चाहते हैं तो उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, इसी प्रकार का कोई नए नॉलेज पे वीडियो चाहते हैं, चाहे वो कानून से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, लोन से संबंधित हो, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो, बहुत सारे टॉपिक है, या फिर सरकारी योजना से संबंधित हो, इस तरह से इतने टॉपिक पर कोई भी किसी प्रकार का आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और एक एक करके सब टॉपिक का वीडियो जरूर बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।